उस वक्त कोर्ट ने कहा है कि मैं सारे पहलुओं को देखकर ये इसमें जो भी फैसला है वो सुनाऊंगा। उसको हिशाम उस्मानी साहब ने जो रिट पिटीशन फाइल किए है वो और दूसरे जो PIL है वो सभी आज बोर्ड पर थे, ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच के सामने। ये मैटर आज इसमें जब हियरिंग हुई तो उस वक्त में हम लोगों ने सिविल एप्लीकेशन फाइल किए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाला और नो ऑब्जेक्शन इशू किया औरंगाबाद का नाम रीनेम करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी नाम धाराशिव रीनेम करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन को हमने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट चैलेंज किया आज। तो कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ किया कि रीट पिटिशंस में ये अमेंडमेंट कैरी आउट करने का बोलकर कोर्ट ने 7 डेज का टाइम दिया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 मार्च 2023 से पहले रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच ने आज ये भी डिसाइड किया कि ये रिट पिटिशंस एडमिशन स्टेज पे डिसाइड करना है और इस तरीके से 27 मार्च को फॉर फाइनल हियरिंग ये मैटर्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से आज कोर्ट में जो मैटर चला तो इसमें सीनियर काउंसिल उशाला सर और हिशाम उस्मानी साहब की तरफ से मैं, मेरे साथ में एडवोकेट खिजर पटेल भी आज आए हुए हैं और उस्मानाबाद के लिए तड़ेकर मैडम ने भी आज आर्गुमेंट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से AG साहब ने आर्गुमेंट किया और गवर्नमेंट लीडर भी थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक पार्टी इन पर्सन भी थे जिन्होंने उस्मानाबाद के लिए PIL फाइल किए थे। तो इस तरीके से कोर्ट ने सबको अमेंडमेंट अलाउ किया है सबका कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाले हैं और नाम तब्दील या चेंज करने का जो नोटिफिकेशन है इसको अमेंडमेंट किया जाए और अब मेन पिटीशन चलने वाले हैं 27 तारीख। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद और संभाजी नगर की जो बारे में जो याचिका चल रही है उसकी सुनवाई हुई औरंगाबाद नामांतर के। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता के सारे जो वकील थे उनको सुना और उसमें जो रिजॉइंडर की जो डिमांड थी वो अलाउ की कि आप लोग इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं अपनी अपनी याचिका। उसमें जो नए नोटिफिकेशन और NOCs जो केंद्र ने और राज्य ने जारी किए हैं उसको चैलेंज करने का जो अमेंडमेंट हमने मांगा था उसको कोर्ट ने अलाउ किया है। कोर्ट ने फिलहाल इसमें कोई स्टे नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने सरकारी पक्ष को ये आदेश दिया है कि 24 तारीख तक वो अपने सारे जो भी जवाब हैं वो सारे इसमें दाखिल करें। 27 मार्च को इसकी अगली तारीख रखी गई है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली तारीख को हम सारी बातें सुन के फिर फाइनली इसको डिसाइड करेंगे। मेरी तरफ से एडवोकेट SS खाजी साहब आज यहाँ मौजूद थे, उनको असिस्ट करने के लिए खिजर पटेल साहब यहाँ पे आए थे साथ में और हमारे जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं मुश्ताक साहब उनके भी वकील मुशाला साहब और सफ़ीर साहब थे। उस्मानाबाद की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उनकी भी वकील थी हमारे तड़ेकर मैडम, ये सारे यहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी देर इस पर बहस हुई कोर्ट में और फाइनली फिर कोर्ट ने इसको 27 तारीख को रखा है। उस वक्त कोर्ट ने कहा है कि मैं सारे पहलुओं को देखकर ये इसमें जो भी फैसला है वो सुनाऊंगा। हाय, दिस इज एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।